एक बर्बन बिस्किट का पैकेट मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, हाफ कप मिल्क ले लीजिए और कुछ टुकड़े डेयरी मिल्क चॉकलेट के काट करके रख दीजिए। अब मिल्क धीरे धीरे करके ग्राइंडेड हुए बर्बन के बिस्किट्स में डाल दीजिए और उसे बहुत अच्छे से बीट करना है। बीट इट वेल, इतना अच्छे से बीट करना है कि उसमें लम्स ना रह जाएं। खैर एक दो रह भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें अप्पम का साँचा लेना है और उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर देना है। आप चाहें तो ऑयल से भी कर सकते हैं, पर हम घी से करते हैं। हम बना रहे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, बर्बन बैटन केक्स। तो वो अच्छा सा शेप अप्पम के मोल्ड में ही आता है ताकि वो बैटन जैसे दिखने चाहिए। बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि वो आसानी से बाहर आ जाएं जब हमारे केक्स रेडी हो जाएं। अब हमें स्पून से हर एक सेक्शन में अच्छे से फिल करना है। ध्यान रखें कि टोटली फुल नहीं भरना है हमें इसे। आप देख सकते हैं मेरे कुछ लम्स रह गए हैं, बट इट डजंट मैटर्स। और हर एक में डेयरी मिल्क का एक एक टुकड़ा डाल देंगे हम उसमें। और अब मैं गैस चालू करके एकदम से लो फ्लेम पे अप्पम का सांचा रख दूंगी और उसे ढक देंगे। ढकने के बाद 5 मिनट्स के बाद हमें एक बार चेक करना है कि वो हो रहे हैं अच्छे से तैयार या नहीं। आप देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहे हैं। हमें इसके बाद और 1 मिनट ढक के खोल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वो तैयार हो चुके हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे टेस्ट कर चुके हैं नाइफ से और हम इसे निकाल लेंगे। ध्यान रहे आप सांचे को हाथ ना लगाएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। यू वोंट बिलीव, इट टेस्ट रियली अमेजिंग एंड इट्स वेरी इंस्टेंट। जस्ट